गाइस ये पेड़ के पीछे लैपेट है, अभी हमने खुद देखा है। लैपेट है व्हाइट रंग का, व्हाइट रंग का। हेलो गाइस, दिस इज गोविंद एंड दिस इज मंजीत एंड आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल UP16 व्लॉग्स। और ये है हमारा सेकंड व्लॉग, मतलब हां सेकंड व्लॉग है ना। तो कहां जा रहे हैं भैया हम आज चलते हैं कुछ एक्सप्लोर करते हैं नोएडा में, कौन सी चीजें घूमने के लिए देखते हैं, बने रहो ब्लॉग में। चले चलते हैं। हे गाइस, तो हम निकल रहे हैं नोएडा के कुछ हैंग आउट प्लेसेस के लिए, और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं हम कि कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। टॉपिक आपको समझ आ गया होगा थंबनेल देख के। तो आज बाइक लेके जिक सर अगेन। बर्ड सेंचुरी जाने के लिए, अरे बर्ड सेंचुरी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वैसे आगे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, और संडे वाले दिन कम रहता है वैसे रश, बट आज बंदे काफ़ी दिख रहे रोड पे है ना। संडे को सारे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। हाँ, तो हो सकता है सुपर बाइक्स देखने को मिल जाए ऊपर, तो हम जा भी हो सकता है। हाँ, बस स्टे ट्यून्ड। आने वाले ब्लॉग्स बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, पहाड़ होने वाले हैं भाई साहब, पहाड़ देखिए। और वैसे मंजी सुन, सुबह नागर में भी बुलाया, वैसे चलना है क्या नागर यहाँ? चलते पहले बर्ड सेंचुरी कवर करते हैं, पहले एक फ्रेंड और है गाइस, हमें उससे बनाते हैं पहले मायावती करते हैं कवर। गाइस फर्स्ट लोकेशन में पहुंच चुके हैं हम, और मे बी 7 o'clock हो रहा है, और ये घड़ी अपनी जिक्सू, और हम वैसे आपको दिखाने वाले थे आज भीमराव अम्बेडकर पार्क, और बट एक्चुअली आई थिंक ये क्लोज है। सो गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हम, ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा में। ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे इसके बारे में, और बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो मज़ा अलग आएगा। सीन देखो आप, सामने ही यमुना रिवर है, एंड देन वी आर गोइंग टू एंटर ओखला बर्ड सेंचुरी, एंड बहुत कम ही प्राइस है ये रमन जी। और टिकट ले चुके हैं, दिखाना मुझे टिकट, ये टिकट है, और ओनली 60 रुपीज़ में आप नेचर के बहुत पास आ सकते हो, ओनली 60 रुपीज़। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे, क्या ही लोकेशन है, क्या ही व्यू है, औसम सुपर औसम बन गया हमारा मॉर्निंग का मौसम। अभी नोएडा में रह के ये जगह, हम नोएडा में कितने सालों से रह रहे हैं, बट ये वाली जगह हमें देखी नहीं हमने अभी तक, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग। ओ हो वाओ, सच अ नाइस प्लेस। ये देखो आगे कुछ ही नहीं दिख रहा, पूरा धुंधी धुंध है, चला पूरे बादल ही बादल हैं आगे, बादल क्या मतलब कोहरा है पूरा, और कुछ ही नहीं दिख रहा। मे बी बहुत दूर जाके रोड है, बड़े आई थिंक यमुना रिवर है, मुझे यमुना रिवर है ना। हाँ यमुना रिवर है, एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति ना चढ़े, वो वेट के अकॉर्डिंग होगा ना उसका। आ जा चलते हैं इसको, है ना। ये वाला जो झुंड है ये बतख का झुंड है, बड़े बहुत दूर है, वरना क्लोज इसकी एक क्लोजअप लेते हैं इसका हम। गाइज ओखला बर्ड सेंचुरी में हम मजे कर रहे हैं, वैसे अच्छा है, बहुत डिसेंट प्लेस है, कोई है नहीं सोर्स वाला। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी में आपको सारे पाइथन तक भी हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब, पाइथन तो वैसे भी
पाइथन अजगर होता है आई थिंक, सांप तो नॉर्मली मिलते ही है पाइथन, बट पाइथन कहाँ मिलता है, पाइथन इज अ वेरी मतलब बहुत बड़ा अजगर होता है वो पाइथन। गाइस प्लेस देखो आप, जंगल है इधर, इधर जंगल है ऑलरेडी, यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है कि अंदर सांप होंगे, तो कोई बात है क्यों विजिट करेगा वहाँ पे भाई, जब उसने ऑलरेडी लिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स एट ओखला बर्ड सेंचुरी, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ये सांप हैं अवेलेबल यहाँ है, तो कोई क्यों इधर जंगल, राइट में जंगल, लेफ्ट में जंगल, बीच में एक रास्ता वो भी कच्चा सा, कोई क्यों जाएगा इतनी दूर, वो भी जंगल में जा सकते हैं वैसे। यो गाइस, यो कैसी प्लेस लगी? ऑसम प्लेस है, मतलब बहुत वैसे हमें खुद नहीं पता था इस बारे में यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। और पहली बात मंजीत भाई, बहुत शांति है यहाँ पे, पता चलता है नेचर में तो कितना रश है, इतनी बार गाड़ियों चल रही है, अगर आप नियर बाय कहीं रहते हैं तो प्लीज टाइम निकाल के आइए। हां टाइम निकाल के बहुत अच्छी प्लेस है, थोड़ा सा स्कैरी है वैसे मंजीत है, स्कैरी नहीं स्कैरी है, स्कैरी थोड़ा सा स्कैरी। आओ गाइस आपको लेपर्ड दिखाते हैं, लेपर्ड वाया, लेपर्ड देखो, लेपर्ड वाया, लेपर्ड अभी हमने खुद देखा, लेपर्ड वाइट रंग का, वाइट रंग का पूरा वाइट लेपर्ड है, देख के देख के देख के पूरा उधर बैठ गए, स्पेंड कर सकते हो, स्पेंड करने के लिए भी आराम से बैठ सकते हो, दो तीन घंटे तुम्हारे पास कहीं जाना नहीं है नेचर के, एकदम लेपर्ड आगे लेपर्ड गाइस ये हमारा लेपर्ड है, इसका नाम लेपर्ड रखा, ओए इसमें चलना एक्चुअली गाइस क्या कर रहा है साले, फोन गिर जाएगा एक्चुअली ये काट दी जाएगी। अरे क्या गाइस आवाज आई कुछ भाई, कैसे कुछ दिखता है आपको दिखाते हैं गाइस, वेटिंग फॉर अजगर, पाइथन भी है यहाँ पे वैसे, ऑलरेडी उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिखा भी था, एक और बोट पीछे थी, एक बोट, वाओ काफ़ी प्यारा नज़ारा है वैसे, पता चला बोट के अंदर अजगर बैठे, बिकॉज अजगर सांप ना कोने पे बैठते हैं, इधर जंगल, इधर जंगल, बीच में जंगल, बीच में दंगल, क्योंकि दंगल मिट्टी पूरी बिछाई हुई है, मिट्टी वाली रोड है प्लेन, ओ भाई साहब, और पता नेचर की ऐसी आवाज़ है, नेचर की आवाज़ मतलब चिड़िया की और जो बर्ड्स होते हैं ना, देखो ये आपको मिलेंगे नहीं वैसे, नॉइस पोल्यूशन इतना रहता है, नॉइस पोल्यूशन इतना ज्यादा है, गाड़ियां चल रही हैं, ये कौन सा पेड़ है ऊपर से, और ये आपने बहुत कम ही देखा होगा, हां देखा होगा कभी रिवर्स वगैरह में, बहुत कम ही रहता है ये, ये देखो, ये देखो लच्छे पेड़ के, लच्छे पराठा खाएं यार आज। पूरा जाली से कवर करा हुआ, देखो आई थिंक दिखेगा नहीं आपको, देखो ऐसा लग रहा है कि पॉलिथीन उड़ा दी है इस पे, Use no polythene inside the bird sanctuary. Wow, what a place. यहाँ कौन करेगा? बात है bird sanctuary, birds की आवाज अच्छी है। यहाँ पे ना किसी ने? ये क्या है? जंगली yellow भी रहेगा। भाई जंगली yellow भी रहेगा यहाँ कहाँ से आ गई? क्या है? कुछ है तो सही। अबे ये वही बात। आई थिंक सबके स्कूल, आई थिंक 9th 10th का इंग्लिश का, इंग्लिश की बुक थी, 12th की थी इंग्लिश की बुक, फ्लेमिंगो, अगर आपकी भी थी कमेंट बिलो डाउन। टू मच फन गाइस, वॉकिंग की वॉकिंग और विजिटिंग, वो आ गया एग्जिट, ए यार आ रहा है, आ गया भाई, क्या हाल चाल नागर जी, मॉर्निंग राइड पे है हम और नागर जी हैं साइकिल पे, बल्जू अपने साथ, ओ बीटू नागर निकलते हैं पिक्चर से, बीटविन नहीं है, बीटविन छोड़ना, ये तो मॉन्क है आई थिंक, नहीं हीरो की वो है, फ्रॉग है, फ्रॉग है, अपनी फ्रॉग की बहुत अच्छी है साइकिल्स, ओ मैं डड्डू कहां जा रहा है, ये डड्डू है हमारा, डड्डू मतलब फ्रॉग चला ना, ओए ना अरे क्यों बना रहे, क्लोज में लिए एकदम फाड़ आई है, देख के गाड़ी वाली चुप आई है, ऐसा ही बहुत ही सही में फाड़,
तो हम गए थे चिकन चिक शॉप पे। मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मंजीत, मंजीत जाता रहता है। अच्छा ग्रीन चिक्स, ओके ओके ग्रीन चिक्स का नाम मत लेना इसमें, घर ले जाएंगे। शुरू हो गया हमारे लाडले बेटे, अभी आ जाएंगे पीछे। ब्लॉग देखते हैं लाइक बाद में। मोहन पूरी रेडी, ओके पूरी रेडी हो चुकी है। चलो भाई मंजीत, चलो लेट्स पहले इसी को खा लो। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन चिक चिप्स। चिक चॉप यार, अरे यार बारह हो जाता है। तो भाई आज तो जो मॉर्निंग व्लॉग है ना, वो मॉर्निंग कम चीट डे ज्यादा लग रहा है। ऐसा करोगे तुम? आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद एक्साइटमेंट, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ न्यू प्लेसेस। तो तब तक नया कंटेंट आने वाला है, बने रहो, स्टे ट्यून विद दिस चैनल और सुनते रहो, देखते रहो। बाकी नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यूपी 16 ब्लॉग्स। एक पार्ट भी आपको अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो का तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक और कमेंट बिलो डाउन। ओके ओके गाइस, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।